आज आप देख रहे हैं हमारे एक टूर बना हुआ है, कुछ दोस्त कुछ हमारे बहन भाई और हम जा रहे हैं दसवाल की तरफ एक टूर। तो आप हमारे दादा जी का हम आपको बताएंगे कि रास्ते में हमने कितना एंजॉय किया, कैसे एंजॉय किया सब आपको बताएंगे। हाँ तो गाइस हमारे साथ फैजान भाई और अभी हम यहाँ से टिकट करवाएंगे स्वाद के लिए। हमारे बड़े भाई हैं अपना मेहर भाई, हम अपने यहाँ टिकट वगैरह करवा ली हैं, स्वाद के लिए हम निकलने वाले हैं। हमारे हैं मुनीब भाई, फरहाल भाई, मुआज भाई, मुआज भाई। सफर का अगर हमने कर लिया घर हाँ तो भैया बात ऐसे है कि अभी हम पहुँचे हैं आसमानी मोड़ और यहाँ पर जो ये व्यू है कुछ ऐसे है और अभी हम यहाँ पर दोस्तों से पूछते हैं कि उनकी क्या राय है यहाँ पर। हाँ तो भैया मेहर भाई सबसे पहले आज है कैसा लगा आपको ये? माशाल्लाह जी बड़ा प्यारा व्यू है, जिनका बहुत मज़ा आ रहा है। ये भाई जी शादी में आए हुए हैं, बहुत इंजॉय किया। थैंक यू थैंक यू। हाँ मुनीब भाई कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा व्यू है माशाल्लाह, बहुत अच्छी जगह है घूमने के लायक है। अरे भाई कैसा लगा आपको? बहुत ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत माशाल्लाह। और शादी का भी आया और ये जो दोस्त आए हैं पंजाब से, इनसे भी मिलकर बहुत मज़ा आ रहा है। और बाकी हम शुक्रिया भाई, शुक्रिया आपका भी बहुत शुक्रिया, आप इतना सफ़र करके आए यहाँ, हमारा जगह देखी आपने। हम भी चाहते हैं कि वहाँ से लोग आए यहाँ का मंजर देखे, सभी को पता चले ये हमारा पाकिस्तान है, कोई बाहर का मुल्क नहीं है या कोई गैर इलाका नहीं है, यहाँ हम सब लाइक घूमें शेयर। हाँ तो भाई अभी हम पहुँच और झंडे का क्या करना हमने, अभी हम पहुंच गए हैं स्वाद और बुनेरी के बॉर्डर पर, यहाँ पर चेक पोस्ट पर खड़े हैं और कार्ड वगैरह ले लिया उसने, अभी सब ही कार्ड लिए ना, सब के कार्ड लिए और सब नहीं लिया। और अभी देखते हैं अगर जाने देते हैं कि नहीं। हाँ तो भैया बात जैसे कि हम पहुंच गए हैं स्वाद, ये है पेजा का दरिया के किनारे और अभी मेरे साथ है मुनीब भाई। हाँ जी आपकी क्या फीलिंग है यहाँ पर अभी? यार बहुत अच्छा लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कौन है? अच्छा अच्छा। और यहाँ पर जो माहौल है वो बहुत आला है, जो सीन है ऐसे है देख ले। और बिल्जमान भाई यस बॉय कैसे है? बहुत जबरदस्त, मजा आ रहा है आपको? बहुत ही अच्छा। माहौल कैसा यहाँ का? माहौल भी अच्छा है, लोग भी अच्छे हैं, पार्किंग भी अच्छी है और पहाड़ भी है, पानी भी है। हम फर्स्ट टाइम आए हैं, दोस्त भी साथ आए हैं, पंजाब से लोग आए, दोस्त बहुत एंजॉय कर रहे हैं यहाँ, लोग सभी एंजॉय करने के लिए आते हैं, यही मंदिर है। अभी तो माशाल्लाह कोरोना तो काफ़ी हो गया है, ख़त्म होने लगा है। यहाँ पार्क है एक बड़ा, वहाँ में झूले हैं, वो भी हो जाएंगे। अच्छा तो ये जो हमारे गुजरान भाई हैं, आप आगे हम जो पाँच लाख जाएंगे वहाँ के टिकट आप देंगे, आप फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पेज पर आप फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। बाकी जो व्यू है वो भी एक व्यू है, तक आप सीन्स इंजॉय करो।
हमारे यहाँ फैजान भाई ये भी फैसलाबाद से आए हैं हमारे शादी पे, हमारे शादी पे, और ये यहाँ गए नॉट ओनली यस आल्सो माय ब्रदर या। तो शादी एंजॉय करने के बाद यहाँ पर चक्कर लगाना जरूरी था, नहीं मिस कर सकते। हाँ तो भैया आज अभी फ़ोटोशूट होने के बाद, फ़ोटोशूट करने के बाद अभी हम जा रहे हैं खाना खाने, और खाना खाने के बाद क्या करेंगे, फिर हम जाएंगे एक दो प्लेस हैं, एक वाइट हाउस, वो है वाइट हाउस, वाइट हाउस नहीं यार पता नहीं वाइट वाइट पता नहीं क्या नाम खुद नहीं पता, वहाँ जा रहे हैं, फिर उसके बाद हम जाएंगे एक माओ क्या जैसे क्या पता नहीं यार, तीन जगह हैं हमने वहाँ भी जाना है, वहाँ पर जाकर ना शूट वगैरह करेंगे, वहाँ का व्यू आपको दिखाएंगे। यहाँ पर तो लोग इतने आए हुए हैं, मज़ा आ रहा है, इंजॉयफुल हो रहा है, और बाकी कुछ नहीं देखने का। हाँ तो भैया बाद में जैसे और यहाँ पर क्या तारीख में जाना है कि नहीं जाना, तब तक आप इसी एंजॉय करें। को जैसा है तो शूट करने के बाद हमने पोल एंजॉय किया, अभी हम जाएंगे वापस, और यहाँ बाकी ये सारी काफ़ी पुरानी है, 90 सेंचुरी की तस्वीरें सारी वीडियो वगैरह हैं, यहाँ पर हमने देखा कि काफ़ी पुरानी मटेरियल है, काफ़ी सब कुछ बहुत पुराना है, 90 सेंचुरी का है सब कुछ। बाकी सीन है वो यही है कि एंड है। हाँ तो भैया बात कुछ ऐसे है कि अभी हम जा रहे हैं, इसके पास ही एक छोटी सी नहर है, वहाँ पर इसकी हिस्ट्री का चश्मा है, आबशार पर जा रहे हैं, चश्मा आबशार है जो भी उधर जा रहे हैं हम अभी, इंशाल्लाह हम लोग यहाँ पे फुल एंजॉय कर रहे हैं, और काफ़ी टाइम बाद हमारे इस तरह गैदरिंग हुई है सबकी, तो यहाँ की हिस्ट्री का हमें कुछ नहीं पता, व्हाइट पैलेस ही बोलते हो 1941 सर बना हुआ, वो तो हमें पता है उसका लॉजिक क्या वो नहीं पता। हाँ बस लोकल पर्सन से यहाँ का जो रिहायशी हम उनसे पूछेंगे, लेकिन यहाँ पर सारे दोस्त जो रिहायशी बंदा है नहीं, इसलिए हम टिकट वाले भी पूछ लेंगे, अगर मजीद जब दोबारा कभी आएंगे तब हम इस पर सर्च करके आएंगे कि इसे व्हाइट हाउस क्यों बोलते हैं, और यहाँ पर क्या लॉजिक है क्यों मेरे भाई और यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप रहते हैं।
हमारे मुनीब भाई, मुनीब भाई नीचे गिरे हैं पानी में, फुल गीले हो गए, ये रहे हमारे मुनीब भाई। और अब्दुल्ला भाई हमारी बात किसी को शूट करेंगे वो आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगे, और अभी बाद में तो बात करते हैं। तो यहाँ पर बैठे हैं, एक कप चाय पी ले जरा, मौसम अच्छा है, ऊपर चाय पीने का मजा आएगा, अच्छा लगा पानी, अच्छा आ गया बस, चाय बस ये बाकी नीचे जाने पे बस। हाँ गुल्लू भाई, हाँ तो भैया बात कुछ ऐसे है कि अभी सब हमने जो टूरिस्ट वगैरह था वो सारा प्लान ख़त्म हो गया, अभी हम जाएंगे अपने घर वापस, जितना भी इंजॉय करना था कर लिया। बात ऐसे है कि मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट व्लॉग पे, तब तक अपना, अपने घर वालों का और सब का रखिए ख्याल, अल्लाह।